वेलकम टू प्रीति डायरीज। मैं प्रीति झा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग के 9 बजे हैं और मैं पूजा कर रही हूँ। अभी आज है सैटरडे 2 अक्टूबर, तो मैं सबसे पहले उठी और सोचा कि झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन। टप्पू सिर्फ 1 घंटे के लिए आज स्कूल जाएगा, क्योंकि आज उसे गांधी जी बनना है। मॉर्निंग में मैंने पौधों में पानी नहीं डाला था, तो मैं अभी आई हूँ तो भाई डाल रही हूँ। लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम है, हवा भी चल रहा है। इसके बाद आज छुट्टी का दिन है तो कुछ स्पेशल खाना बनेगा, तो चलिए फिर किचन में। आज मैं बना रही हूँ सिंपल वेज थाली, पूरी सब्जी और सेवई। जीत को, टप्पू को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा आज छुट्टी के दिन क्यों ना मैं बनाऊँ, आराम से सब बैठकर खाएंगे। तो अब जो है मेरी सब्जी बनने ही वाली है, उसके बाद मैं बनाऊंगी पूरी। मेरी सेवई बनकर तैयार हो चुकी है। हमारा जो इंडिया है उसमें ज़्यादातर घरों में कोई त्यौहार में पूरी सब्जी, चावल की खीर या फिर सेवई ही बनती है। पूरी के साथ आलू की सब्जी से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मेरा सिंपल थाली रेडी हो चुका है, आप लोग भी आइए और खाइए। टप्पू को आज मैंने गांधी जी बनाया है 2 अक्टूबर, तो अभी वो स्कूल से आ गया है। थोड़ी देर बैठते हैं फिर बनाएंगे कॉफ़ी। ये तो मेरा शौक था, मैं इंडियन ब्लॉगर सभी को देखती थी। मैं देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा को देखती हूँ, संभावना सेठ को मैं देखती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ। मैं सबके नाम बताऊँ मैं किस किस यूट्यूबर को देखती हूँ? तो मैं देखती हूँ प्रियंका, जो कि तीनों भाई बहन बनाते हैं वीडियो, वो कैच लाइफ विथ भूमि मैं डेली देखती हूँ। जब भी उनका वीडियो आता है मैं देखती हूँ। मैत्री पैसन ये मैं ज़रूर देखती हूँ। मैं लगभग सारे जो इंडियन ब्लॉगर हैं मैं सभी को देखती हूँ, और साथ में मैं उन लोगों के कमेंट भी पढ़ती हूँ। अपना चैनल शुरू करने के बारे में मैंने कई बार बहुत टाइम पहले ही सोच लिया था, पर कमेंट्स पढ़ के मैं डर जाती थी। प्लीज़ आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। हम जो आपके सामने अपनी वीडियो, अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, वो हकीकत है, वो झूठ नहीं है। अब रोज़ ही दिखाऊंगी तो क्या झूठ कैमरे के लिए कितना दिन तक झूठा दिखावा करूंगी, है ना? मेरे हाथ भी दुखने लगे फ़ोन पकड़े पकड़े। तो अभी लाइट के प्रॉब्लम के कारण कुछ फेस क्लियर नहीं आ रहा होगा, या किचन का भी मैं जब दिखाती हूँ तो क्लियर नहीं आता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे फैमिली में मेंबर जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं ज़रूर अच्छे लाइट लगवा लूँगी, ट्राईपॉड भी खरीद लूँगी और बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोग मेरे फैमिली से जुड़िए, यूट्यूब फैमिली से। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरी बाकी की भी वीडियो ज़रूर देखिए, और मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर, मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि मैं आज कॉफ़ी बनाऊंगी, तो मैं किस तरह से कॉफ़ी बनाती हूँ चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो फिर चलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी के लिए गैस पर मैंने दूध चढ़ा दिया, और मैं यहाँ ले रही हूँ 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। उसमें हम मिक्स करेंगे 2 चम्मच चीनी। आप कम मीठा पीते हैं तो आप कम डालिए, अपने हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा जैसा पीते हो। तो थोड़ा सा पानी डालकर अब हम इसे मिक्स करेंगे इससे, और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और बिल्कुल झाग वाली कॉफ़ी बनकर तैयार हो जाएगी, बहुत ही इजी, बहुत ही जल्दी।
तो मैं कॉफ़ी अच्छे से झाग हो चुका है कॉफ़ी में, तो मैं इसे कप में डाल दूंगी। देखिए कितना बढ़िया कॉफ़ी रेडी हो गया है ना तुरंत, तो आप लोग भी बनाइए। अब हम इसमें डाल देंगे गरम जो मैंने दूध किया है उसको डाल देंगे, बिल्कुल मार्केट जैसी कॉफ़ी बनकर तैयार हो जाएगी सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के अंदर। बारिश भी हो रही है, बरसात के मौसम में कॉफ़ी पीने का तो अलग ही मज़ा है। और साथ में मैंने सोचा क्यों न मैं आप लोग से आज कुछ देर बातें की, तो मुझे लगा कॉफ़ी भी मैं पी लूं और आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि मैं किस तरह से बनाती हूं। आप लोग भी बनाते होंगे, कई तरीक़ों से बनाते होंगे या फिर इस तरह से भी बनाते होंगे। कॉफ़ी बनकर रेडी हो चुकी है, तो अब मैं आराम से बैठकर इसको पीऊँगी और साथ में मैं जीत को भी दूंगी। उनके लिए अभी नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो अभी सोए हुए हैं, जब वो उठेंगे तब मैं बनाऊंगी। तो मैंने आप लोग के साथ शेयर करना था इसीलिए मैंने अभी ही बना लिया, क्योंकि उनके उठने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता, मार्केट भी जाना है इसी वजह से। तो यहाँ मैंने जो कांच के बोतल में मनी प्लांट लगाई है वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, देखिए आप लोग, बहुत छोटा सा बोतल है सॉस की बोतल और उसमें बहुत बड़ा हो गया है। क्या है टप्पू, ये कृष्णा का मास्क है। और दिखाओ और क्या चीज मिला है इसके साथ। कौन दिलवाया है? शाम के 6:30 बज चुके हैं, यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। गैस पर मैंने चाय को चढ़ा दिया है, टप्पू पढ़ने के लिए चला गया है। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube फैमिली में जुड़िए।